लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का मेन क्या है, हमारा मेन है कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ से आप लोगों को हर चीज अच्छा लगेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इसमें क्या क्या आता है? कंडीशनल स्टेटमेंट में एक आता है कि इफ एल्स पढ़ना, ठीक है, और एक स्विच केस पढ़ना, दो ही चीज़ है। बोलेगा कि चलो तो पहले तो पहला वाला पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा, ठीक है। कि इफ एल्स में हम लोगों का अगर हिंदी में उच्चारण करें तो अगर और मगर वाला हिसाब है कि अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये, ठीक है। चलो इसमें क्या क्या आता है इफ एल्स के अंदर, कंडीशनल स्टेटमेंट में जो इफ एल्स है लगे, इसमें पहला तो आता है सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल, ठीक है, सिर्फ इफ़। दूसरा आता है इफ़ और एल्स का इस्तेमाल। अब मुझे ये समझना है खाली क्वेश्चन को पढ़ के कि यहाँ पे इफ लगेगा या इफ एल्स दोनों लगेगा। क्वेश्चन में जब भी मुझे लगेगा कि सिर्फ व्हेन ओनली वन टास्क गिवन, एक ही टास्क दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, नो फॉल्स, ठीक है, वन कंडीशन गिवन या वन टास्क लिखना सही नहीं है, वन ट्रू कंडीशन गिवन, इसको पहले हटाते हैं, हाँ, ट्रू कंडीशन गिवन, नो फॉल्स कंडीशन। देख, हम लोगों को भी पता है ये सब चीज़ें, हम आपको अपने स्टेटमेंट में समझाने के लिए बता रहे हैं। ये कब हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, तो व्हेन टू कंडीशन गिवन, दो कंडीशन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया रहेगा, वन इज ट्रू एंड अदर इज फॉल्स। ओके, बोला एक क्वेश्चन बताइए कैसे समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number is even or odd, नहीं, ये गलती भी ऐसा कभी कभी फंस जाता है बच्चा लोग, मैसेज में दे देता है इवन और नॉट, बस यही दिमाग में रखना है। बोलेगे ओके, सेम चीज, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number is, दूसरा क्वेश्चन, divisible by 3 and 7 both or not, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों में इवन होगा या तो नहीं होगा, डिविजिबल बाय 3 and 7 और नॉट, ठीक है, और प्राइम और नॉट, तो प्राइम हो भी सकता है नॉट, ठीक है। मतलब जहां पे हमने बोला कि दो कंडीशन दिया रहेगा, या तो एक सही है एक गलत है, ठीक है, तो दोनों ही केस में हम लोग इफ और एल्स, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन दिया गया सब में इफ एल्स दोनों लगने वाला है, ठीक है। इसमें बच्चा फंसता नहीं है, फंसता है सिर्फ इफ वाले में, ठीक है। बोला कि दूसरा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, ये था राइट अ प्रोग्राम टू चेक, और ये बोला राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर इन बिटवीन 1 to 100, मतलब जो इवन नहीं है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। लगे बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है, और ऑल प्राइम नंबर इन बिटवीन, प्राइम नंबर इन बिटवीन, जो प्राइम नहीं है उसको नहीं सोचना है, कोई भी रेंज एगो दे दिया जाएगा, ऑल नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 7, और नॉट वाला हिसाब नहीं है, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 7 बोथ, ठीक है। तो ऐसे जिसमें हमको नेगेटिव, मतलब दूसरा कंडीशन नहीं दिया रहता है, सिर्फ ट्रू कंडीशन ही दिया रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इफ का इस्तेमाल करेंगे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली एक बार टाइप करेंगे, एक बार देखेंगे, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, बेटर तरीका भी है हम लोगों को नोटपैड प्लस प्लस। फाइल में गए, न्यू फाइल, ठीक है, क्लास, क्लास का नाम कुछ भी दे देते हैं, तो मान लीजिए मैं F71 कुछ भी, ये ऑलरेडी बहुत सारा क्लास बन रहा है अभी,
ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। सीखने का तरीका यही है कि आप नंबर को पहले यूजर से मत मांगिए, लेकिन कोडिंग आपको यूजर से ही करना है। एक नंबर को पहले से आप ले कर रख दीजिए 34। अब मुझे खाली चेक करना है इवन और नॉट। तो हम लोग कैसे इवन कैसे पता चलता है? हाँ, डिविजिबल का जो मीनिंग है ना, बहुत लोग गलत भी सोचता है डिवाइड होना। हाँ एकदम सही है, डिवाइड तो दुनिया का सारा नंबर सबसे डिवाइड होता है, लेकिन डिविजिबल मतलब होता है रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर शुड बी जीरो। तो इफ अगर x इज मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये कोड वो तो ठीक है। एल्स ये कोड ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, इवन, बस यहाँ पे मैसेज ऑड नहीं लिखना क्योंकि वो बोला था नॉट, तो नॉट इवन, मैंने मैसेज थोड़ा सा छोटा सा बात है लेकिन बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला कुछ और जाता है लिखता कुछ और है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा तो और कुछ तो बोले ना, हो गया, ध्यान रखना है खाली फाइल को क्या नाम से दिए हैं, सेव एज डेस्कटॉप पे F71.java, एक ही से पूरा का पूरा प्रोग्राम बना दें यहाँ, CMD, ठीक है, CD स्पेस डेस्कटॉप, जावा सी स्पेस F12.java, जावा स्पेस इवन, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं खाली थोड़ा सा चेंज करके, सच में काम कर, फिर से कंपाइल, ओके इवन नॉट इवन परफेक्ट है। अब लेकिन मुझे ये तो करना नहीं था, मुझे तो बस यूज़र से मांगना था, ठीक, तो मुझे पहले से ये रख लेना है। अब स्कैनर क्लास SC, क्योंकि नंबर का बात है, न्यू स्कैनर system.in, हमारे पास हम क्या बोलेंगे, सब कुछ रेडी है। अब इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार भी या फिर स्कैनर, तो ये ज़्यादा फास्ट काम करता है क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट कर दिए, हो गया। अब x इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर में मांग लिए, बोला लेकिन यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, तो यूज़र फ्रेंडली के लिए हम एक ठो मैसेज भी दे दिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln या प्रिंट, ठीक है, इंटर अ नंबर, एक बार करके देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप कंपाइल रन, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा, 56 इवन नंबर, फिर से रन 79 नॉट इवन नंबर, काम कंप्लीट हो गया, मतलब अब डायनामिक बनना स्टार्ट हो गया। तो ये तो मेरा इतना दूर तक तो सबके लिए कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे बोला है कि ये तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बना इसलिए, तो आपका क्या था ऊपर वाला, तो हम एक साथ फटाफट तीनों को एक बार चेक करते हैं। बोला डिविजिबल बाई 3 and 7 बोथ और नॉट, बोला कि पहले तो पहला वाला, बोला कि डिविजिबल बाई 3 and x मॉडुलस 7 इज इक्वल इक्वल टू 0, मतलब इससे भी होना चाहिए इससे भी, तो डिविजिबल बाई बोथ, डिविजिबल बाई बोथ 3 and 7 और नॉट डिविजिबल बाई और आइदर डिविजिबल, ठीक है, नॉट डिविजिबल और आइदर डिविजिबल, मतलब किसी एक से हो सकता है। मैसेज तो हो गया मेरा काम, फटाफट कंपाइल रन, बोला कि कुछ भी, तो बोला कि एक काम करते हैं 22, तो बोला कि किसी से भी नहीं है, 3 ये भी नहीं है, ठीक, 21 एक में, और सॉरी कंपाइल करके क्या फ़ायदा, 21 तो बोला कि डिविजिबल बाई बोथ 3 and 7, ओके, एक
सिंगल बार तो दिए तो थ्री, ठीक है फिर से रन करा लेते हैं सेवन, तो आइदर डिविजिबल और नॉट डिविजिबल किसी से भी नहीं है। अगर गलती से यहाँ पे हम लोग और डाल दिए तब आपका फंस गया, थ्री में भी दिखाएगा सेवन में भी दिखाएगा, ठीक है। अब कंपाइल, थर्टी वन बोले नॉट डिविजिबल, ठीक है ठीक है। ट्वेंटी वन तो दोनों से तो ऑब्वियसली है, एटीन भी दोनों से दिखाएगा अब क्योंकि लेकिन है नहीं, हाँ तो गलत है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के इसलिए हम लिखे थे बोथ और नॉट, ठीक है। फिर अगर लास्ट है प्राइम नंबर और नॉट, तो मैं उसको एक बार में दिखाऊंगा क्योंकि प्राइम नंबर का लॉजिक पहले अलग है, इसकी तरह इजी नहीं है, ठीक है। मुझे एक बार में दोनों, ये तो इवन वाला तो बहुत ही इजी है, छोड़ दीजिए, एक ही बार में प्राइम नंबर भी नहीं है, डिविजिबल बाय बोथ थ्री एंड सेवन, लेकिन पूरा सीरीज का, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर डिविजिबल बाय थ्री एंड सेवन, ठीक है, इन बिटवीन हंड्रेड टू हंड्रेड, ठीक सही है। तो बोला कि ये तो ठीक है, क्या हमको यूज़र से इनपुट लेना है, बोला नहीं अब यूज़र से इनपुट नहीं लेना है, ठीक है। तो अब जब यूजर से इनपुट नहीं लेना है तो ये मैसेज भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो ये आपको डिविजिबिलिटी का प्रोग्राम है, ठीक है। तो बस फॉर लूप वाई, तो जैसे आपका सी में था वही, फॉर वाई इज इक्वल्स टू वन से लेके वाई लेस देन इक्वल्स टू हंड्रेड तक और वाई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये मुझे सब कुछ एक बार में टैब मार के ढकेल दिया, तो मुझे वाई का वैल्यू जब वन होगा तब भी, लेकिन ये एक्स को चेक कर रहा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, y को चेक करना है या फिर इस x को, इसको x बना देते हैं तब भी चलेगा मुझे, ठीक है। तो जब, ताकि मुझे वेरिएबल भी लेने का टेंशन नहीं है, बोला स्कैनर क्लास भी लेने का टेंशन नहीं है और इंपोर्ट भी करने का टेंशन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 1 होगा तब भी वो चेक करेगा कि क्या 3 और 7 से है या नहीं है, तो नहीं है, बोले नहीं प्रिंट करने को बोला गया, बोले नहीं, तो मैंने एल्स पार्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा एक बार करके देखिए, तो सर इसमें सी एकदम एकदम सही बोले, वही मैं बोलना चाह रहा था। अब बोला कि पता ही नहीं चलेगा क्या है वो, ठीक है, ये तो डिविजिबिलिटी, तो बोले मुझे या तो उसके प्लस देखे, ठीक है, प्लस देखे एक्स का वैल्यू को कॉन्कैटेनेट कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि वो कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल है, 21, 42, 63 और 84, ठीक है, ओके। बोला कि थोड़ा सा बड़ा नंबर दीजिए, तो अब आपको इंटरप्रिटेड लैंग्वेज का मतलब समझ में आएगा। कंपाइल तो फट से ही होगा, रन, हाँ ये लाइन बाय लाइन चेक कर रहा क्योंकि एक बार में फट से नहीं होगा, सारे सारे नंबर को प्रिंट कर रहा, ठीक है। तो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, ओके, तो सारे का सारा नंबर ही प्रिंट करके दे दिया। बोले इतना ये सब को प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं था, बेकार का, तो ये सब तो मैसेज हम बेकार का ही प्रिंट कर रहे हैं, खाली स्पेस, ठीक है। स्पेस, चलो एक काम करते हैं फिर से ओके, एक काम करते हैं डेस्कटॉप में ना, फिर से cd स्पेस डेस्कटॉप, जावा सी स्पेस f71.java, जावा स्पेस f71, नीचे नीचे आ रहा, उसको भी थोड़ा रोकते हैं, ln को हटा देते हैं, ठीक है। तो धर से बोला थोड़ा छोटा करके, तो ये तो बस हम टेस्टिंग करने के लिए, तो हम लोग को छोटा करके देख लेते हैं, CLS कंपाइल, ठीक ना, अच्छा भी लग रहा। तो मुझे ये तो मुझे सिखाना था बस कि सिर्फ इफ का इस्तेमाल, इफ एल्स दोनों का इस्तेमाल तो आपको बस समझना होगा, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये पढ़ाना ही नहीं था, मेरा मेन उद्देश्य आपको प्राइम नंबर अच्छे से समझाना। तो इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन से ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन, प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 100, क्योंकि इसके लिए आपको ये पहले क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि आपको जानबूझ के सीरीज वाला क्वेश्चन देता है। तो एक काम करते हैं, प्राइम नंबर का पहले डेफिनेशन पे जाते हैं कि कैसे समझ में आएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर होता है जो कि वन और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है, ठीक है, मतलब दुनिया का सारा नंबर वन और इटसेल्फ से होता है, ऐसा तो नहीं है कि बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब एक्चुअली में डेफिनेशन ये है कि जिस, जो कि
मतलब हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, मतलब इसका अगर डेफिनेशन सच में बोला जाए तो हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, फैक्टर्स ओनली, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, है ना? Yes. फटाक से ये अच्छा है क्योंकि वो सेंटेंस में फंसने वाला था। मुझे बस एक काम करना है, तब यूज़र से मांगना है कोई एक नंबर को, वो मैं ऑलरेडी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कोड तो पहले का कोड है, तो इसमें से तो हम लोगों को फिर से यूज़र से इनपुट लेना है। फिर से ये आ गया, फिर से ये आ गया, ये फिर से आ गया, इंटर अ नंबर, बस चेक करना है ये प्राइम और नॉट। ठीक है, बोला कि प्राइम और नॉट के लिए मैं लॉजिक पहले खुद से लिखूंगा। तो बोला कि क्या डिफिनेशन है कि एक लूप चलाना है जो कि जो भी नंबर डालेंगे, तो लाइक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने डाला 17, बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो बोला कि एक लूप चलाना है जो कि 1 से लेके 17 तक चले, ठीक है, और जब जब डिविजिबल होगा तब तब काउंटिंग करें। काउंटिंग को अगर हम चेक कर लेंगे कि क्या दो, बहुत अच्छा है, एकदम सही कि 9 तक भी चलने से चलता है, लेकिन पहले पहले तो पूरा लॉजिक तो लिख लेते हैं, उसके बाद हम चलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिफिनेशन यही है कि हैविंग टू फैक्टर्स, अगर 9 तक चलाएंगे तो फैक्टर दो को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर से 9 तक चलाएंगे तो 9 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो फैक्टर तो एक ही हो जाएगा, फैक्टर तो एक ही हो जाएगा ना। तो पहले लॉजिक यही कहता है। देखिए इसका अप्रोच बहुत सारा है, ठीक है, आप लोग जो अप्रोच से बड़े हो उसमें थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन, इसलिए तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग 1 से लेके एन तक चलाएंगे, स्टेप नंबर 1 यही रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, फॉर लूप, एक अलग से वेरिएबल लेके, तो वाई मत लीजिए, एक काम आई ले लीजिए, तो इसको एक काम करते हैं एन ले लीजिए, क्योंकि ये जल्दी समझ में आता है, ये नंबर के लिए लिया गया। अब मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर लूप एक्स इज इक्वल्स टू 1 से लेके x less than equals to n तक और x plus plus, ठीक है, बोला ओके, जब जब डिविजिबल होगा किससे, तो बोला कि n तो मेरा जो नंबर डालेंगे वही रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा 17 टू 17, मतलब एग्जांपल भी समझते जाइए, मान लीजिए 17, तो वो तो 17 का 17 ही रहेगा। हाँ, x मेरा चेंज होगा, पहली बार x 1, जब जब डिविजिबल होगा तब तब, तो मुझे क्या करना है, काउंटिंग करना है, तो हाँ, तो काउंट इज इक्वल्स टू 0 और काउंट प्लस प्लस, तो काउंट प्लस प्लस हो गया। ओके, बोला कि मुझे ये पूरा लूप घूमने के बाद, जब जब डिविजिबल होगा, लूप घूमने के बाद यहाँ पे लूप के बाहर इफ काउंट इज इक्वल इक्वल्स टू 2, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर, प्रिंट प्राइम नंबर, मतलब प्रिंट नहीं, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln जो भी हो, प्राइम नंबर, और दूसरा है नॉट प्राइम। ये तो क्लियर हुआ, सही है, समझ में आया आपको? हाँ, तो एक लूप चला दिए 1 से लेके जो भी 17 तक, जब जब डिविजिबल होगा तब तब, तो मुझे पता है कि डिविजिबल कब कब होगा, तो एक बार 1 के लिए होगा और एक बार 17 के लिए ही होगा। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो वहाँ पे भी प्रिंटिंग लगा के देख लेंगे। ठीक है, तो एल्स नॉट प्राइम, बस हो तो गया, बोला कि नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, बस एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइल रन, ठीक है, बस 17 ही पहले डालिए, तो प्राइम नंबर दिखा दिया। ठीक है, एक बार चेक करिए, ओह सॉरी, फिर कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, खाली रनिंग कराने से होता, 16, तो बोला क्या 16 नॉट प्राइम, मतलब कैसे पता चलेगा, तो पहले तो फैक्टर को प्रिंट कराइए, तो फैक्टर मतलब काउंट को प्रिंट कराइए। ठीक है, और नहीं, पहले फैक्टर्स को, काउंट ही तो फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो काउंट ही है। ठीक है, ओके, बोला कि ओके चलिए देखते हैं, नॉट है तो कितना हुआ और नॉर्मली कितना है, दोनों को चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कंपाइल और रन, चलिए 17, तो बोला कि 17 में दो ही है हुआ, ठीक है, और 16 में बोला कि टोटल 5 हो गया, तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 खुद है, तो 5 फैक्टर्स हुआ। अब कौन कौन सा फैक्टर हुआ वो अगर पता करना है तब तो आपको लूप के अंदर प्रिंट कराना होगा। ठीक है, तो मुझे सिंपल बोला कि जब 3 को मिल गया तो फालतू का आगे चेक करने का कोई मतलब बनता था,
जब मैं 16 में 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, मतलब तीसरे पे तो आके टूट जाना चाहिए था, है ना, आगे तो मैंने चलने का मेरा बेवकूफ़ी था। तो फिर से वही सेम चीज़, इफ़ else if नहीं, गलती से भी else if में क्या गलती होने वाला है आपको दिखाएंगे। तो अगर काउंट का वैल्यू 3 हो गया गलती से, तो वहीं पे ब्रेक मार दो, आगे चलने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, मतलब आगे बेवकूफ़ी है, ठीक है। अच्छा, ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सच में वो काम किया या नहीं, बीच में स्पेस प्लस, कहाँ पे लूप जाके टूट रहा है उसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। मैंने एक्स का वैल्यू, कौन से एक्स का वैल्यू पे जाके टूट रहा है मेरा कोड, प्लस एक्स, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सब जरूरी होता है कोडिंग सीखते समय। तो मुझे बस अब आते हैं, क्या मान लीजिए 16, तो 16 मेरा 3 फैक्टर्स मिला क्योंकि आगे नहीं चला, 4 पे आके टूट गया, ठीक है। अच्छा 12 थोड़ा चलते हैं, 12 में मतलब 3 फैक्टर्स मिला क्योंकि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 है, 4 है, 6 है, तो यहीं पे 3 पे टूट गया थोड़ा और। ये नहीं, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और ये 3 पे आकर टूटा है, ठीक है। काउंट इक्वल टू 3 के वहां पे ब्रेक कर दिए, तो वो सर काउंट का वैल्यू इसीलिए 3 प्रिंट करेगा। हां, काउंट तो मेरा 3 फैक्टर है इसलिए, ठीक है। और नीचे 3 पे आके टूट भी गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 100 मारिया ना, बोला कि 3 फैक्टर 4 पे आके टूट गया, बोले 4 पे कैसे टूटेगा, 4 से 100, हाँ हाँ होता है होता है, ठीक है, सही है। बोला थोड़ा और तोड़िए, तो 97 नहीं 96 3 पे टूटा, ठीक है। एक मिनट, कोई और चीज़, 108 तो 2 पे आके टूट जाएगा, 30 सॉरी फिर से 4 पे आके टूट जाएगा, 107 बोला नहीं ये पूरा ही ठीक ही है, ओके 107 तो मेरा प्राइम नंबर है इसलिए प्राइम नंबर दिखा दिया, ठीक है। तो 108 पे आकर टूटेगा, ठीक है, तो मैंने ठीक ही है, ओके बीच में आके आपको समझ में आ रहा, बोले लेकिन प्रॉब्लम 107 पे ही टूटा, लेकिन प्लस प्लस लास्ट में बाद में है ना। अच्छा, बोला कि सर ये जो अब इनका वाला तरीका कि सर हम लोग को बेवकूफ़ी नहीं है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा नंबर होता 101, ठीक है, हम जानते हैं दुनिया का सारा नंबर हाफ के बाद, मतलब 100 मान लीजिए एग्जांपल, इसका फैक्टर्स जो भी हो बीच में 50 के बाद सीधा 100 से ही डिविजिबल होता है, मतलब इसके बीच में नहीं होता, तो मतलब ये सही है। तो अगर मैं हाफ पे पहुंच गया तो यहाँ पे अगर मैं हाफ चला दूंगा ना, तो ज़िंदगी में कभी 2 फैक्टर्स नहीं मिलेगा, मिलेगा कभी नहीं, ये तो एक ही मिल जाएगा, हाँ तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि ये भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर अगर कोई यूज़र देखते हैं, मैंने मान लीजिए मैं ये कर दिया डिविजिबल बाई डिवाइडेड बाई 2, ये हाफ तक चलेगा, तो कोई यूज़र गलती से बिना अब 1 प्रेस कर दिया तो क्या होगा जी, ओके लूप चलेगा ही नहीं, लूप चलेगा क्या, क्योंकि 1/2 मतलब 0 हो गया ना, हाँ तो 0 तो लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर कोई 2 डाल दिया तो बोला गया 2 डाल दिया तो उसको एक फैक्टर, मतलब ये पूरा कोड मेरा गलत हो गया, 2 फैक्टर्स अब कभी मिलेगा ही नहीं, कभी एक ही फैक्टर से आपको काम चलाना होगा, बोला ये वाला गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसको पूरा ही चलने दीजिए ना, यहाँ पे आइए अंदर में, इफ अगर x इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, अगर हाफ पे पहुंच चुका है लेकिन अभी भी काउंट का वैल्यू अगर एक ही है, चलेगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है कि अगर मान लीजिए अभी एग्जांपल 17, तो 1 से लेकर 9 तक पहुंच चुका है लेकिन डिविजिबल तो नहीं हुआ 9 से, ठीक है, तो यहीं पे ब्रेक करवाएंगे, लेकिन ब्रेक करवाने से पहले एक बार काउंटिंग झूठ मुठ का इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि लास्ट वाले से दुनिया का सारा नंबर तो डिविजिबल होगा, तो मतलब ये कहना चाहते हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं और फिर भी अगर एक ही फैक्टर्स मिला उसको तो ब्रेक तो करवाएंगे, लेकिन ब्रेक करवाने से पहले एक काउंटिंग बढ़ा देंगे, फैक्टर टू करने के लिए, हाँ तो वो बस फैक्टर टू करने के लिए, एकदम सही, 2 को फैक्टर करने के लिए। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ही कमाल का चीज़ है, मेरा हाफ पे ही टूटा एक्चुअली, ठीक है। तो एक बार देखिए काम करता है कि नहीं, एक बार अब चेक कीजिए, तो कंपाइल,
रन, एक बार अब 17 दीजिए तो अब 8 पे आके टूट गया, ठीक है, 9 पे भी नहीं क्योंकि 8.5 हुआ ना, तो वो 8 पे ही आके टूट गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं 16 डालता हूँ तो बोलेंगे सिक्सटीन वो ठीक काम कर रहा है, मतलब अपना जाके 4 पे टूट रहा है, मतलब तो बोला गया कि इसका मतलब ये है, ये सबके लिए कॉमन है, ये मेरा हर समय होगा, ये कब काम करेगा मेरा, जब मेरा नॉट प्राइम होगा तब, क्योंकि मुझे 3 फैक्टर मतलब नॉट प्राइम हो गया और ये प्राइम है तब, ठीक है, तो लास्ट तक जाने का जरूरत नहीं है, आधा पे ही आके टूट जाओ, ठीक है, तो आधा पे ही टूट जाओ लेकिन काउंट प्लस प्लस करके, ठीक है। यहाँ पे एक आपको आपको लॉजिक समझाते हैं आपको, ठीक है। गलती से मैं इसको गलती से कभी कभी गलती हो ही जाता है बच्चे लोगों से, मैं आपको पहले इफ से समझा देता हूँ, पहले एक बार टेस्टिंग करा कर समझा देता हूँ, फाइनली CLS एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। कंपाइल किए, रन किए, जानबूझ के 12 डाल रहा है, 12 1 2 3 तीनों फैक्टर्स लाइन से मिल गया इसलिए वो 3 पे आके टूट गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको गलती से कोई, क्योंकि दोनों का मतलब लोग एक ही समझते हैं, इफ एलसीफ एलसीफ और इफ 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 दोनों का मतलब लगता है कि एक ही तो है, ठीक है, बट एक बार आप रन कराइए तो अब 12 ही डाल गया, तो जाके 13 पे टूटा, मतलब कितना डेंजरस है ये एलसीफ, बोला कि क्या हुआ एक्चुअली में, ये एक्चुअली में हुआ क्या, वन फैक्टर मिला सही है, मैं इसको 12 समझाता हूँ, 12 से वन फैक्टर मिला ठीक है, क्या 3 मिला तो नहीं, क्या हाफ हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं, 2 लगे ओके, क्या 3 मिला तो नहीं, क्या हाफ हुआ तो नहीं, परफेक्ट, 3 हुआ, क्या 3 मिला तो हाँ, लेकिन एक तो हो जाने के कारण उसको वो स्किप मार दिया, एक क्योंकि एलसीफ में क्या होता है कोई एक को करेगा और इफ में क्या होगा दोनों को प्रायोरिटी मिलेगा, ये इफ इफ था और अभी इफ एलसीफ हो गया, इतना डेंजरस है, छोटा सा चीज जो कि बहुत डेंजरस है, तो जिसके कारण आपका एलसीफ लिखने के कारण वो क्या हुआ, 3 पे उसको मिला नहीं, 4 हो गया, ठीक है, अब तो जिंदगी में उसको 3 तो नहीं मिला, तो यहाँ पे अगर आपको करना होगा तो या तो ये तरीका है एलसीफ में, तो आके लेकिन टूटेगा कब, 4 पे आके टूटेगा, 3 पे नहीं टूटेगा, 4 पे आके टूटेगा, ठीक है, सॉरी 4 पे भी शायद नहीं टूटे, क्योंकि 4 पे भी तो ये होगा, ये आके टूटेगा 6 पे आके टूटेगा मुझे लगता है, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 6 पे टूटेगा, या तो 6 पे भी ना टूटे या 5 पे टूटेगा, 5 पे आके टूटा, क्योंकि उसको जब वो 3 मिला तो ये कंडीशन सही नहीं है, बराबर होते हुए भी सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छा जब उसको 4 मिला तो तब भी तो मिल गया, तब भी ये काम नहीं करेगा, जब 5 पे नहीं मिला तब ये काम करेगा, मतलब इतना डेंजरस है, इफ 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 को और इफ एलसीफ एलसीफ को एक एक गलती से भी समझने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, दोनों बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे तीनों को प्रायोरिटी इक्वल देना था, इसीलिए मैं ऐसे किया था, तो 1 2 3 4 5 6 और 12, तो मतलब 12 के लिए, तो मतलब 12 तक, तो ये हाफ कहाँ तक चलेगा, 6 तक, लेकिन ये तो प्राइम नहीं है इसलिए मतलब ये तो फैक्टर वाले के कारण टूट जाएगा, नॉट प्राइम के लिए ये वाला काम करेगा, और अगर प्राइम रहता 13 के लिए ये वाला काम करता, है ना, तो समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को, जी दीप समझ में आया, इंद्राणी, यस सर, तो ये इतना ही डेंजरस है, ठीक है, अब आता है क्या, यहां तक तो आप बच के निकल गए, अभी मेरा क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ प्राइम और नॉट, मुझे बोला गया था क्या, ऑल प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 100, अभी वो तो कुछ भी हो सकता है, ताकि मुझे एक नंबर को निकालने आ गया ना, ठीक है, अब लूप फेंकेंगे बस, बोला कि सीरीज के लिए मुझे पहले तो इनपुट नहीं लेना है, तो ये तीनों को एक साथ कमेंट, बोला कमेंट लिया नहीं एक साथ, कोई बात नहीं है, एक सिंगल सिंगल ही कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, एक मिनट, एन मेरे पास है,
देखिएगा कहाँ कहाँ गलती होता है। अगर आप लूप फेंकिएगा तो बहुत फंसने वाले हो, क्यों इसको लेके, तो इसको अब ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये बहुत डेंजरस है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये समझना होगा दोनों का, लेकिन मतलब देख के लग रहा है कि सेम ही है, लगे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन में, यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस होगा दिखा रहा है। अब लूप फेंकिए, यहाँ से आपका एक्चुअली में एक क्वेश्चन बना, ठीक है। अच्छा, अब बोलेगा कि मुझे यही चीज़ मुझे एक सीरीज के लिए, अब वन से लेके एन लेस देन इक्वल्स टू हंड्रेड एन प्लस प्लस, ओके इसको पूरे को ढकेल के थोड़ा सा अंदर कर दीजिए। हाँ, गलती से भी इसको अगर यहाँ नहीं कर रहते हैं, ठीक है, तो उसका परिणाम क्या होता है वो मैं थोड़ा देर में समझा रहा हूँ। पहले तो मुझे एल्स पार्ट नहीं चाहिए, पहला। दूसरा, इफ पार्ट चाहिए, लेकिन मुझे काउंट नहीं एन को प्रिंट करना होगा, कौन सा नंबर प्राइम है, ठीक है, वो प्रिंटिंग करना होगा। बोले और कुछ, तो बोले नहीं, हो गया। बोले वो भी क्या जरूरत है, फालतू का स्पेस खाली प्रिंट कीजिए ना एक ही लाइन में, ताकि फट से मेरा काम हो जाए, है ना। तो सब कुछ करेगा एकदम परफेक्टली दिखा रहे हैं। बोले कि आप इसको गलती से बाहर कर दीजिएगा तो क्या होगा, इसको वन के लिए तो उसको एक फैक्टर मिलेगा तो प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन जब टू होगा तो वन टू, तो एक्चुअली में थ्री हो गया उसके लिए, वो काम ही नहीं करेगा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं काम करेगा आपका एक्चुअली वो। फिर से अगर इसको बाहर कर देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, तो एन का वैल्यू जब वन था तो वन के लिए चेक करेगा, क्या दो को फैक्टर मिलेगा, तो नहीं एक ही फैक्टर मिलेगा। अच्छा, एन प्लस प्लस उसको तो दो को फैक्टर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री, वन के लिए एक और टू के लिए दो गो, वन और टू, एक्चुअली में उसके पास काउंट का वैल्यू थ्री हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जब थ्री होगा, जब थ्री होगा तो वन के लिए वन, टू के लिए दो और थ्री के लिए फिर से दो, एक्चुअली में पांच हो जाएगा, तो वो कभी भी प्रिंटेड कुछ करेगा ही नहीं, इतना डेंजरस है। तो यहाँ पे करने से क्या होगा कि हर बार वो जीरो हो जाएगा, तो जब एन का वैल्यू वन होगा तब भी उसको दो गो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, जब टू होगा तो फिर से जीरो से शुरू करेगा, जब थ्री होगा तो मैंने हर बार वो जीरो असाइन होके फिर आगे बढ़ेगा, मतलब इसका इसका पोजीशन को लेके कहीं इधर उधर मत करिएगा। ये सबसे ज़्यादा गलती इसी में होता है, क्योंकि आदमी सोचता है कि अरे यहाँ पे तो है ही ना, बट लीजिए फंस गए आप, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। तो कंपाइल, एक भी ब्लैंक प्रिंट होगा, देखिएगा ब्लैंक नील एकदम, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा वहाँ पे कभी काम ही नहीं किया, बस यहाँ पे कर दीजिए, अब काम करना स्टार्ट, इतना छोटा सा गलती। कंपाइल, रन, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन, देखिए सब प्राइम नंबर ही है, कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। तो ये छोटा सा गलती बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं बोला कि सीरीज का क्वेश्चन जानबूझ के वो देता है कंपनी में, ताकि आप फंसो, कॉमन गलती है ये, ठीक है। कि सर कैसे पता चले, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, अगर मैं ये आप जो सोच रहे हो एकदम सही, आपका भी ये भी कॉमन गलती है, ये भी बहुत जन का गलती होता है कि एक्चुअली में वो लोग यहाँ पे एन की जगह पे हंड्रेड कर दिए, तो उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ, हंड्रेड प्राइम है कि नहीं वो चेक किया खाली, हंड्रेड एक प्राइम नंबर है या नहीं, क्योंकि मेरा तो लॉजिक तो यही था ना, एक्स में असाइन कर दिया था। हाँ, इलेवन एक प्राइम है या नहीं, वन से लेके इलेवन तक, वो इलेवन क्या है, वो नंबर वही है जिसको चेक कर रहे हैं, तो ये अगर इलेवन की जगह पे हंड्रेड कर देंगे तो हंड्रेड एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो नहीं है, ओके। तो ये भी कॉमन गलती है कि लोग यहाँ पे भी एक ठो गलती कर देते हैं, उसी को चेंज कर देते हैं। आपको सबसे पहले सिंगल टास्क को तो हाथ ही नहीं लगाना है, उसके बाद उसको मल्टीपल बनाना है, ठीक है, खाली एल्स को उड़ा देना है, कहीं पे भी एल्स नहीं रहेगा पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। बोले और कुछ, तो बोला ना, हो गया। बोला एक बार बड़ा नंबर देखिए, 10,000 इंटरप्रेटर का हम बस फायदा दिखा रहे हैं। बोला 9973, ये मेरा सबसे हाईएस्ट 10,000 में प्राइम नंबर है, इतना तो हम लोग तेज नहीं है, लेकिन कंप्यूटर बहुत तेज है, ठीक है।
तो ये हुआ, हम लोग कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गलती आता है, सी एल एस, ठीक है, ओके। एक बार गलती क्या क्या आता है, गलती ये तो हुआ अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने गलती से बोला ओके यहाँ आप गलती नहीं कर सकते, गलती का चांस ही नहीं दिया हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो गलती समझाना चाह रहा हूँ कि एक बार सी एम डी सी डी स्पेस डेस्कटॉप जावा सी स्पेस F71.java स्पेस F71 एंटर अ नंबर, गलती से मैंने क्या किया 7W या 3W, आया कि नहीं आया, मतलब तो अब धीरे धीरे मैंने, क्योंकि हम तो कोडिंग तो लिखना हो ही गया, अब जावा से मुझे ना जितना हम पढ़े हैं बोले कि सब कुछ काम आएगा, यहाँ पे कोई गलती होने का चांस था, तो हाँ इसको एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज़ कर लीजिए। तो मतलब दैट मीन्स अब शुरू हुआ ना कोडिंग, हम लोग के पास हथियार रेडी था, अब बस बैठाना है, ठीक है। तो अगर इन पूरे लाइन में से कहीं पे भी एक भी गलती हुआ तो वो पकड़ के आपको बताना है, क्या क्या गलती आने के चांसेस है। आपको एक ही गलती, एरिथमेटिक एक्सेप्शन का गलती, एरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं, ये नंबर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है बहुत, क्योंकि आपका तो कौन सा एक्सेप्शन, क्या बोल भी रहा है, इनपुट मिस मैच एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए इसी एक्सेप्शन को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये तो आपको कहाँ पे एक्सेप्शन के लिए कैच, ठीक है, कैच लगे आपको इतना याद कौन करेगा, तो एक्सेप्शन क्लास का बस एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ई को बस प्रिंट करा देना, एकदम सही है। ई को प्रिंट कराने से भी लेकिन सुंदर से नहीं आएगा, वो एरर की तरह ही आएगा, ठीक है। तो सुंदर से तो आपको अपना मैसेज देना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ एंटर, सुंदर से आप, क्योंकि मुझे पता है कि गलती कहाँ पे करेगा, ठीक है, प्लीज़ एंटर वैलिड इनपुट या ओनली इंटीजर इनपुट, ओनली इंटीजर इनपुट। अगर एक्सेप्शन हुआ तो चलिए एक बार फिर से कंपाइल रन, अब 3W डालिए, प्यारा सा एरर दिया है ना, अब फिर से रन कराइए, बोला कि नहीं 34 काम करने लगा अपना कोड, ठीक है, 35 नहीं 37 तो प्राइम नंबर, कोड मेरा अपना ठीक काम करेगा, अब गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको जितना भी चीज़ पढ़ा हुआ सब काम आने वाला है ऐसे ही जगह पे, ठीक है, कि यूज़र पे छोड़ेंगे अगर यूज़र इनपुट, तब तो वो तो बदमाशी करके ही चेक करेगा, ठीक है। हैकर लोग तो इसी का वेट करता है, एरर पढ़ के वो पेंट कोड अपना पेनिट्रेट कर देगा, ठीक है। वो लोग गलती को ही तो मेन पढ़ता है, अच्छा ये सब आप गलती किए और लो फंसे आप, ठीक है, वो गलती को अच्छे से पढ़ पढ़ के कोडिंग करता है लोग, ठीक है। तो अब आता है क्या, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोगों का अभी आता है क्या, एक बोला कि इफ एल्स में हमारा सबसे पहले शुरू हुआ था सिर्फ इफ, दूसरा इफ और एल्स, ये तो हो गया है, बोला कि तीसरा इफ एल्स इफ, फिर से अगेन एल्स इफ, ठीक है, और लास्ट में एल्स। इसका इस्तेमाल कब करेंगे और लास्ट में इफ 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 का इस्तेमाल कब करेंगे, मल्टीपल इफ। बोला कि ये बस दोनों को अच्छे से, क्योंकि ये दोनों को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। बोला कि वेन, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन कैन ट्रू बट वन एट ए टाइम, मतलब क्योंकि ये किसी एक को ही एग्जीक्यूट करेगा एट ए टाइम, भले आपका दो तीन सही हो सकता है। बोला कि इसका मतलब आप समझाएंगे एग्जाम्पल से, बोला कब ये, तो बोला कि वेन मल्टीपल कंडीशन कैन ट्रू साइमल्टेनियसली, जो भी हो, मतलब मोर देन वन कंडीशन एक समय में सही हो सकता है। बोला गया कि ओके देखते हैं इसको भी, जैसे एग्जांपल बताइए, यहाँ पे
आप मान लीजिए, जैसे आप लोग एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं फेसबुक, मान लीजिए किसी एक पर्सन का लैपटॉप है, ठीक है, उसमें क्या है कि ईमेल आईडी डालने का जगह है, पासवर्ड डालने का जगह है और लॉगिन का बटन है। हम जानते हैं कि मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड सही है, आपका भी यूज़र आईडी पासवर्ड सबका सही है, लेकिन एट ए टाइम किसी एक ही का लॉगिन लेगा, है ना, दोनों का तो एक साथ सही होने से रहा तो ठीक है। अब लॉगिन होगा, जब लॉगआउट मारिएगा फिर दूसरे का आदमी का डालिएगा, तो मतलब बोला कि ऐसा, जैसे एग्जांपल बताइए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है, बोला कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इंटर अ पासवर्ड, एक पासवर्ड इंटर कीजिए, ठीक है, अगर आप 1221 अगर यूज़र से इनपुट लेते हो तो आपको दिखाएगा वेलकम एक यूज़र का नाम, तो मान लीजिए वेलकम राम, ठीक है, 2222 तो मान लीजिए वेलकम श्याम, जो भी हो, मुझे कुछ भी नाम से मतलब है, ठीक है, 3333 मोहन, ठीक है, और इसको छोड़ के, ये तीन को यूज़र आईडी पासवर्ड को छोड़ के अगर कुछ भी अगर डालोगे तो उसको दिखाएगा रॉन्ग पासवर्ड, मतलब ये तीनों सही है लेकिन एट ए टाइम कोई एक, आप बताना कॉट हो वेरिएबल लेना पड़ेगा इनपुट लेने के लिए। एक बार में, अच्छा इनपुट तो एक ही देगा ना एक बार। गुड, एकदम सही है, कि ये तो बस फंसाने के लिए था कि एट ए टाइम एक ही तो इनपुट डाल रहे हैं ना, ये या तो ये या तो ये, तो मुझे एक ही वेरिएबल से मेरा सब कुछ काम हो जाएगा, मुझे बस ईफिल से, ठीक है, ओके। मुझे दूसरा थोड़ा सा ये बोलेंगे कि अब मुझे मान लीजिए कहीं कहीं पासवर्ड जैसे क्या है कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, टोटल पासवर्ड का लेंथ 6 होना चाहिए। अब मेरा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तब अब आपको इफ एल्स से काम नहीं चलने वाला, आपको किससे काम, इफ से ही काम चलेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ कंडीशन सही रहेगा तो ही आगे बढ़ो। तो मतलब कोडिंग में आपको बस पहचानना सीखना है, ठीक है, चलो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देंगे उसके ऊपर, तो पहले उसका वाला करके देख लेते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में क्वेश्चन करता हूँ। मतलब यूज़र से इनपुट लीजिए, बस इंटर अ पासवर्ड या इंटर योर पासवर्ड, जो भी अपना देना है पासवर्ड, ठीक है, यूज़र से ले भी लिए, ठीक है, वेरिएबल में बोला ये सब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब मुझे नहीं चाहिए, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक वो मैसेज प्रिंट वाला कोई भी कॉपी पेस्ट करके रखेंगे, ठीक है, मतलब पासवर्ड ले लिए, वो भी उल्टा पुल्टा डालेगा तो भी रोक देगा, ठीक है, यहाँ पे पहले ट्राई को बंद कर दिए, अच्छा, मतलब इफ़ n इज इक्वल्स टू क्या चीज़, 1221, तो ये मैसेज जो भी मैसेज देंगे देंगे, ठीक है, else if जो भी, अगर n इज इक्वल्स टू 2222 तो ये मैसेज, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए गलती से हमको चार पांच वो और कंडीशन डाल देते हैं, गलती से मेरा ये छूट गया, दो केस सेम हो गया, लास्ट में else, ध्यान से ये गलती से मान लीजिए, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर कॉपी पेस्ट पे ही भरोसा रखते हैं, तो मान लीजिए गलती से दोनों कंडीशन सेम हो गया लेकिन दोनों का मैसेज अलग अलग हो गया, तो वेलकम W जो भी, ये बस मैसेज तो चाहिए, वेलकम E, वेलकम L, वेलकम C, कुछ भी, हम तो बस आपको बस दिखा रहे हैं, ठीक है, बोला एक और भी बचा हुआ है M। अब आता है क्या कि मेरा तो काम कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर कंपाइल और रन, पासवर्ड डालना स्टार्ट, तो मैंने बोला कि 2222 पहले ई एकदम परफेक्ट काम कर रहा, लेकिन अगर 3333 करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, यही क्वेश्चन है। गुड, तो क्योंकि वो एट ए टाइम कोई एक ही को ट्रू करेगा, चाहे दो वो कंडीशन लिख भी दिए तो भी नहीं आने वाला, ठीक है, तो इतना डेंजरस है, ठीक है। अब लेकिन अगर यही चीज़ इफ इफ से रहता तो
एकदम सही है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, जिससे हम पूछेंगे सिर्फ वो आंसर बताना। ठीक है, नाम क्या है जी? एहसान। एहसान, आपको बहुत सोच समझ के जब क्वेश्चन हम पूछते हैं तो पूरा अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, ओके। मैंने अब बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट डालने वाला हूँ 3333, एकदम अलर्ट रहिएगा। आउटपुट आप बता के बताइए कि क्या आउटपुट आएगा। आप जी बताइए तो। सी और एल। तो पहले एल आएगा उसके बाद सी। पहले सी एल सी। ठीक है सब। एल सी एल सी। अच्छा इंद्राणी, आप तुम ही बोलो तो। सर लाइन अलग होगा बस। सर आगे एल होगा। हाँ, तारपर? तारपर सी। आर क्योंकि अभी एलसीफ नहीं रहा, ये इफ हो गया, तो ये एल्स इसका पकड़ लेगा, मतलब टोटल का नहीं पकड़ेगा, ये सिर्फ लास्ट वाले का कंडीशन का। अगर लास्ट वाला कंडीशन सही नहीं है तो ये तो पक्का होना है, इसलिए मतलब इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि 3333 ये तो यहाँ तक आप समझ गए, 444 नहीं हुआ उसके कारण ये हुआ। ठीक है, कंडीशन तो कौन चल रहा है? एकदम ठीक। अगर मैं 4444 डालता तो कोई आपको गलती समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ है, क्योंकि बाद बाकी आपको गलती नहीं समझ में आता। लेकिन बाद और कोई अगर डालते हैं 222 फिर से गलती शुरू होगा। ई और एम दोनों आएगा, है ना, मतलब वो लास्ट वाले के संग जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोग दोस्ती में करते हो ना कि सर वो पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो वाला हिसाब है। ठीक है, तो इफ एल्स कर दिया वो। हाँ, नहीं होते एल्स। हाँ, तो जब भी आप मल्टीपल इफ पढ़िएगा कभी भी एल्स लगाने का गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट वाले इफ का पकड़ लेगा, वो टोटल का नहीं पकड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो आपको एल्स इफ लगाइए तब ठीक है। ठीक है, एल्स इफ लगाइएगा तब एल्स ठीक है, ये क्योंकि टोटल का पकड़ेगा ये एल्स। ठीक है, ओके, तो इतना डेंजरस है इफ 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 और इफ एल्स इफ एल्स इफ। ठीक है, कि ये तो मैंने हम लोग समझ गए, इतना दूर तक क्लियर होगा। अब मैं इसका इस्तेमाल बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन पे नहीं बताता हूँ क्योंकि अभी तक आप लोग स्पेशल कैरेक्टर लेना इनपुट सीखे ही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन देकर देखता हूँ। ठीक है, बोला कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये पूरा। ठीक है, एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है क्योंकि स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कैसे समझा जाता है? डबल कोट के अंदर रहता है। ठीक है, प्लस सी एम टी आई। ठीक है, बोला कि ओके कोलोन। ठीक है, अनरीड कॉमा, इसको पहले इसको बंद करते हैं। ठीक है, बोला कि 9051568753। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझा दे रहा हूँ। ओके, अननोन। ओके, गुड इवनिंग। हाँ, बोला गया आज का तारीख लाइक। ठीक है, 2021 स्पेस आपका 6:36 PM। बोला हो गया। बोला गया जब हमारे फ़ोन में एक SMS आता है ना, तो हम लोगों को दिखता है भले जैसे भी, लेकिन ये एक्चुअली यही फॉर्मेट में डेटा स्टोर रहता है। सबसे पहले इसको चेक करता है कि ओ पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसी से वो वाइट कलर और ग्रे कलर में बदलता है। जब क्लिक कर देते हैं तो ये रीड में बदल जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग इस तरह से काम करता है। ये जो नंबर से जिसमें SMS आया है ये मेरे सिम में सेव है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो अननोन पकड़ लेता है, नहीं तो नोन अपना जो नाम से आप सेव करके रखोगे वो। क्या मैसेज आया है, कितने तारीख को आया है, कितने बजे आया है, पूरा। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम है। लगा कि एक काम कीजिए, मुझे पूरे प्रोग्राम में से पहला क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट ओनली फोन नंबर
एंड मैसेज। पूरे प्रोग्राम में से सिर्फ मेरे काम का दो ही चीज़ है, कौन से फ़ोन से आया है और कौन से मैसेज से। बोला ये किस लिए कर रहे हैं, फ़ोन में जब OTP आता है वो कैसे रीड कर लेता है, मैंने घूमते रहता है ऑटो जो डिटेक्ट होता है, तो वो क्या होता है जैसे मैसेज आता है, मान लीजिए गलती से एक ही साथ अमेज़न का भी मैसेज आ गया, एयरटेल का भी मैसेज, तो एयरटेल वाला अपना रीड कर लेता है, अमेज़न वाला अपना रीड करता है, ये कैसे सेपरेशन होता है, तो वो फ़ोन नंबर को भी चेक करता है। इसीलिए मुझे फ़ोन नंबर को निकालना है और मैसेज को निकाल कर सिर्फ दिखाना है। तो बोला कि ओके, इफ़ मैसेज, सेकेंड कंडीशन, इफ़ मैसेज कम्स फ्रॉम 8637834758, अगर इसी नंबर से आएगा तभी वैलिड कहलाएगा, देन वैलिड, एल्स इनवैलिड, मैंने मैसेज मेरा इनवैलिड रहेगा, ठीक है, एल्स इनवैलिड। वेट, मुझे क्वेश्चन, अब देखिए हमारे हाथ में सब कुछ है, ठीक है, तो मुझे ये क्या कहलाएगा, सबसे पहले फ़ोन नंबर को रीड करके कंपेयर कैसे करते हैं ये भी मुझे सीख जाएंगे इसी एग्जाम्पल में, कि दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हैं, क्लियर ना, क्योंकि ये भी फ़ोन नंबर स्ट्रिंग है, नंबर आपको देखने में लग रहा बट है नहीं, ठीक है, क्योंकि +91 भी ऐड रहता है, इसमें भी ऐड रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। बोला गया कि इसके बाद हमारा, मान लीजिए OTP, अगर मुझे मैसेज में, इफ़ मैसेज इज लाइक, मैं आपको मैसेज सिर्फ लिखाता हूँ, ठीक है, डोंट शेयर योर वन टाइम OTP, जो भी हो, वन टाइम OTP, मान लीजिए, या 4-digit OTP, जो भी अपना मैसेज देना है, 2347, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, या कुछ भी कॉन्फिडेंशियल, इफ़ मैसेज इज, ये मैसेज है, लगे ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग हो गया, मैं आपको फंसा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। बोला कि एक्सट्रैक्ट ओनली OTP, सिर्फ OTP को निकाल के दिखाना है पूरे मैसेज में से, बाद बाकी को फिल्टर करके निकाल देना है, ठीक है, मैंने मुझे, क्योंकि बाद बाकी काम का नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी होता है कि मैसेज नहीं आया गलती से, टाइम पे मैसेज नहीं आया, तो मैनुअल भी, तो मुझे अब मुझे टेक OTP फ्रॉम यूज़र मैनुअली एंड कंपेयर, इफ, ठीक है, मैच, जो भी हो, इफ मैच्ड देन वैलिड, या वेल डन देन वेल डन, अब मैसेज दिखा देगा, else invalid OTP, ठीक है, मतलब आपको हर जगह फंसा रहे हैं, else invalid OTP, ऐसे क्वेश्चन आप जितना स्टेटमेंट में फंसो आप जानबूझ के, तो मैं जानबूझ के स्टेटमेंट में फंसाया हूँ, तो सबसे पहले तो इतना, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बोले ओके, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो मुझे सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, बोला गया कि S1 ओ भी एस, सॉरी इंसर्ट बटन दबा गया है इसलिए, तो S1 इसे फालतू को चीज़ों को ट्राई कैच डाल ही देते हैं, बेकार का, मुझे गलती तो होना ही है, मुझे पता भी है, तो मुझे इंटर अ मैसेज, बोले नहीं हमको लेना नहीं है, यूज़र से मत लीजिए अभी फ़िलहाल, ठीक है, एक स्ट्रिंग जो कि पहले से हम डाल देते हैं, ठीक है, डबल कोट, ठीक है, प्लस CMTI:, मतलब इनकमिंग मैसेज होता है, चेंज इनटू मैसेज मोड, और इनकमिंग मैसेज है तो इसलिए इनकमिंग मैसेज बॉक्स में आपको खींचेगा, ठीक है, तो ये कोड होता है, इससे पता चलता है कि मेरा मैसेज आया है या फिर सेंड बॉक्स में है, इससे पता चलता है, ड्राफ्ट में है, तो ये क्लियर कोड, ये तो जैसे हम लोगों का एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन हमको एकदम स्क्रैच से कोडिंग तो मुझे निकालना है, और इससे अच्छा स्ट्रिंग का क्वेश्चन भी नहीं मिलता, स्ट्रिंग का क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। मुझे बोला है कि यहाँ पे आपको अनरीड कॉमा 90515687 53 अननोन, ठीक है, कॉमा गुड इवनिंग, पहले तो आसान करिए, तो उसके बाद तो हम, ठीक है, बोला कि ओके, कितना तारीख को कितने बजे, तो मुझे क्या है 5/12/2021 को 6:45 41 PM
बस मुझे ये दिमाग में इसमें से निकाल के दिखाना है, खुद से कोडिंग करने तो जाएंगे तो कितने बैंड बजने वाले हैं हम लोग को भी पता है, खुद से कोडिंग करने जाएंगे क्योंकि देखिए लेंथ सेम नहीं होगा कि आपको, ठीक है, कि तब आप खुद से अगर कोडिंग नहीं करोगे तो क्या तरीका है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग इतना अच्छा है, खास करके जावा का, जावा हुआ, पाइथन हुआ, ये लोग इतना अच्छा है कि अगर क्वेश्चन को दिखेगा कितनी आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। स्ट्रिंग एस टू बोला कि नहीं, स्ट्रिंग टाइप एरे, ठीक है, अब चाहे इधर सपोर्ट करें चाहे इधर सपोर्ट करें, तो हम लोग क्या किए, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे ले लिए जिसमें एस वन डॉट स्प्लिट बोला एक फंक्शन है, स्प्लिट बोल के फंक्शन, जो कि कॉमा से स्प्लिट हो जाओ, फट से हो गया काम खत्म। बोला एक्चुअली में इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, ये एक हो जाएगा पहला कॉमा तक, ये दूसरा हो जाएगा, फट से काम खत्म, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, मुझे तो काम खत्म ना, बोला हो गया। तो मुझे अब क्या करना है, बोला कि अब मुझे प्रिंटिंग करना है, प्रिंटिंग करना है किसको किसको, तो प्रिंटिंग करना है सबको नहीं प्रिंट करना है, ये तो जीरो पूरा यहाँ तक कॉमा से हम से, तो कॉमा इस बीच में कहीं पे कॉमा नहीं है, ये कोलोन है, तो मतलब ये वन पकड़ेगा, ये इसको जीरो पकड़ेगा, इसको वन पकड़ेगा, तो मुझे तो क्या प्रिंट करना है, तो एस टू ऑफ, सॉरी एस टू ऑफ टू वन को प्लस बीच में स्पेस और प्लस एस टू ऑफ, ठीक है, टू थ्री, थ्री को। तो इतनी आसानी से कोड बनने वाला नहीं था, ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन था, शायद जीरो ये पकड़ेगा, इसको वन पकड़ेगा, ये टू पकड़ेगा और ये थ्री पकड़ेगा, ठीक ना। तो मुझे बस वही चीज़ चाहिए था, बोला कि अभी फ़िलहाल मुझे ये सब नहीं चाहिए, आलतू फालतू चीज़ों को हटाइए, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बट फिर भी हम लोग स्प्लिट फंक्शन के कारण बच गए हम लोग, नहीं तो खुद से लूप घुमाएंगे तब तक जब तक कि नल करेक्टर नहीं मिलेगा, पहला जब कॉमा मिलेगा तो काउंटिंग होगा, जब दूसरा कॉमा मिलेगा तो दो काउंटिंग होगा, तो मतलब फर्स्ट कॉमा से लेकर सेकंड कॉमा तक मुझे डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, फिर से थर्ड कॉमा से लेकर फोर्थ कॉमा तक के बीच में डेटा को स्टोर करना होगा, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी मैं तरीका सीखूंगा क्योंकि उससे मेरा क्या होगा, स्क्रैच से कोडिंग ज़्यादा अच्छा होगा, मैंने स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये मेरा आपको जावा में फ़ायदा है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, CLS क्लियर स्क्रीन, और मैं फटक से स्प्लिट करके दिखाता हूँ, कंपाइल, बोला एरर मार दिया, बोला ये क्या है, बोला स्प्लिट नाम का जो फंक्शन है ये शायद ये सपोर्ट नहीं करता, ये प्रॉब्लम है मेरा, ठीक है, इसको रहने दीजिए, CLS, ठीक है, ले लिया मैंने सिर्फ डबल कोट के अंदर, क्योंकि F71 कितना अच्छा है, धड़ से क्वेश्चन बन गया, नहीं तो कितना टफ काम था ये, ठीक है, लगे उससे मुझे नहीं, अब मुझे क्या करना है, अब यूज़र से इनपुट भी लेना है, ठीक ना, और एस वन को कि मैसेज किससे आया है, तो मुझे कोड में है, लगे सी में दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर किया जाता है, तो strcmp, दो स्ट्रिंग को, बोला गया जावा में कैसे किया जाता है दो स्ट्रिंग को, बोला कि देखते हैं, इफ़ पहला स्ट्रिंग मतलब ये, ठीक है, ये डॉट इक्वल्स फंक्शन, इक्वल्स फंक्शन, ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग, ठीक है, बोला कि ये एक गलती होता है एक्चुअली में, डबल कोट में आपका डेटा थोड़ा सा अच्छे गौर कीजिए, ये डबल कोट में है, ठीक है, तो अगर पहला स्ट्रिंग कॉमा दूसरा स्ट्रिंग, ये अगर पहले नहीं देखे देखते हैं 8637834758 अगर होता है तो बोला क्या, प्रिंट वैलिड, वैलिड, खाली मुझे यही तो चेक करना था, वैलिड, एल्स इनवैलिड, जितना आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा लगेगा आप, ठीक है, एल्स इनवैलिड, और लास्ट में मेन का बंद कर दिया, एल्स इनवैलिड, इनवैलिड नंबर, इनवैलिड, वैलिड नंबर, एल्स इनवैलिड नंबर, ठीक ना, पहले करके देखते हैं, अभी तो फिलहाल लग रहा है कि इनवैलिड ही आएगा, भैया फिर से एक गलती किया कुछ, बोला कि यहाँ पे पहला स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, इक्वल्स, बोला कि ओ एक ब्रैकेट छूट गया है, ठीक है, CLS, ठीक है, फिर से कंपेयर, तो ये भी मुझे सीख गया कि दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हैं जावा में,
ऐसे हम पढ़ाएंगे आपको स्ट्रिंग अलग से, लेकिन फिर भी मतलब इनवैलिड नंबर, क्योंकि इस नंबर से तो आया ही नहीं है। थोड़ा एक बार चेंज कीजिए, तो 8637 को यहाँ पे चेंज कर दीजिए। अब तो देना चाहिए था वैलिड, बट नहीं आएगा, कारण कि वो सिंगल कोट में हमने नहीं लिखा है, अभी भी इनवैलिड दिखाया, जो कि मैसेज ठीक नंबर से आया है। तो क्यों? क्योंकि मेरा कोड में ये नहीं लिखे हैं सिंगल कोट, क्योंकि डेटा मेरा सिंगल कोट में डबल कोट तो स्ट्रिंग के लिए है। ठीक है, अब मेरा ठीक है, कंपाइल और रन। अब देखिए वैलिड नंबर, ठीक ना? अच्छा, अगर मेरा वैलिड नंबर है, अब मेरा कोड आ गया, तो बोला गया कि मुझे क्या करना है, सिर्फ मैसेज को रीड करना है। तो पहले सिर्फ मैसेज को, ठीक है, सिर्फ मैसेज को रीड करना है। ठीक है, बोला गया कि सिर्फ मैसेज में डोंट शेयर योर फोर डिजिट ओटीपी, ठीक है, 2345, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, जो भी हो, मुझे क्या लेना देना। ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है, इसमें से ये भी एक नंबर ही है, मुझे सिर्फ ये वाला निकलना है। ठीक है, ये भी डेंजरस है ना, स्पेस से करेंगे, एकदम स्पेस से कर सकते हैं, एकदम सही बोले कि आप स्पेस से मार सकते हो। ठीक है, तो दूसरा भी तरीका, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं स्प्लिट से हम मारेंगे तो एकदम सही में बन जाता, लेकिन हम लोग दूसरा तरीका भी सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि आप देखना, जब कोई कंपनी से आप बार बार ओटीपी भी करो ना, देखिएगा मैसेज तो एकदम प्रॉपर वही आता है, खाली ओटीपी तो चेंज हो जाता है, मतलब जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है ना पूरा फुल सेम, तो मैंने उसका इस्तेमाल करना है मुझे। ठीक है, तो बोलेगा कि अगर मैं मैसेज को प्रिंट कराता हूँ, एक बार पहले प्रिंट तो कराइए, CLS, अगर मेरा मैसेज कम फ्रॉम, तो डोंट शेयर योर OTP फॉर इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, मुझे इसमें से सिर्फ बोला इसको निकाल के दिखाइए ये कैसे होता है, बोला CLS, ठीक है, क्लियर स्क्रीन, ये कैसे निकलता है, बोला कि इसका मुझे डॉट, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, सब स्ट्रिंग, क्योंकि आप इस जो स्प्लिट करने वाला जो तरीका है उसमें एक अलग से एरे लेना पड़ेगा, इसमें अलग से एरे नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 से स्टार्ट करना है मुझे, 29 से स्टोर करना है, तो 29, एक मिनट, 29 से स्टार्ट करना है जी, अभी रुक जाइए, 29 से स्टार्ट करना है, 30, 31, 32 तक, अब एक बार करके देखते हैं, उसके बाद या 33 होगा, अब देखते हैं, मतलब 29 से लेके 32 तक पहले करके देखते हैं, आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग बनाना, मतलब ऐसा काम किया, एक डिजिट कम आया। ठीक है, क्योंकि 33 लिखेंगे तब 32 तक स्टोर करता है, ये हमेशा एक कम करता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना था, इसलिए मैं ऐसे बताया। अब जाके पूरा एग्जैक्ट OTP बता दिया, अब इसमें सर इसमें क्यों नहीं किए यही तरीका, मतलब क्योंकि जरूरी नहीं कि अननोन हो, मान लीजिए कृष्णा सर AICT, ठीक है, अब ये क्या नाम देंगे किसी को पता है, तो नहीं पता है, तो इसलिए मैं इसको लेके नहीं चल सकता था। यहाँ पे मेरा स्प्लिट सबसे अच्छा काम करेगा, वहाँ पे स्प्लिट का ज़रूरत नहीं था, फालतू का एक अलग से एरे लेके। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको लेके ही बड़े परेशान हूँ, बात बाकी तो सब ठीक ही है, इसका तो भी फिर किसका नहीं, यहाँ पे अगर पढ़ लेंगे तो रीड हो जाएगा, ठीक है, फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा मैटर करता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है, यहाँ तक ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया कि ये OTP ऑटो डिटेक्ट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कभी हो सकता है कि नहीं डाल पाया कोई यूज़र, टाइम पे नहीं डाल पाया, तो अब मुझे क्या करना है, यूज़र से लेना है। ठीक है, तो इसको अब मुझे यूज़र से लेना है इनपुट, तो बेस्ट तरीका स्ट्रिंग के लिए क्या है, OTP, ये तो नंबर है, लेकिन बेटर तरीका, सॉरी, बफर रीडर क्लास। तो चलिए, अब मज़ा आ रहा है, इनपुट स्ट्रीम
रीडर रीडर क्लास का आई एस आर का ऑब्जेक्ट न्यू, फिर से सेम इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट इन बोला कि ये बहुत डेंजरस है, ये चेक रिसेप्शन के अंदर आता है, तो एक तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा थ्रोज, ठीक है, आयो एक्सेप्शन आयो एक्सेप्शन, ओके इसको यहीं पे चिपका के रखिए। बोला इसमें आपको आयो आयो डॉट स्टार, ये बहुत सारा चाहिए, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर, एक बफर रीडर, ठीक है, सब काम आ गया। और क्या करना है, बफर्ड बफर्ड रीडर क्लास का बी आर इज इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर बफर रीडर आई एस आर, ठीक एकदम सही है आई एस आर। अब बस यहाँ पे मुझे इनपुट ले लेना है, तो यूज़र से अभी इनपुट लेना है, तो एक स्ट्रिंग यहीं पे हम कर सकते थे बट या ऊपर में ले लीजिए सारा वेरिएबल को, तो पहले से ना, ठीक है, एस थ्री इज इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड लाइन रीड लाइन यूज़र से। तो बोला कि एक काम कीजिए, उससे पहले तो यूज़र फ्रेंडली एक मैसेज भी देना पड़ेगा ना कि आप यूज़र इनपुट डालो, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर ओ टी पी इंटर ओ टी पी, ऑटो डिटेक्ट का लॉजिक सीख गए, अब मैनुअल मैनुअल भी, तो वो ओ टी पी डालेगा, फिर से वापस इफ, ठीक है, एल्स, ठीक है, अगर मेरा अब ये कोड शुरू हो गया कंट्रोल सी, ये मेरा पहला स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एस थ्री, जो आप यूज़र से डलवाओगे क्या वो दोनों मैच किया, तो वेल डन, हाँ करेक्ट ओ टी पी जो भी हो, तो हम बस मैसेज दे दिए एल्स इनवैलिड ओ टी पी जो भी हो, समझ में आया ना, तो कितना कुछ हम लोग सीखे, इनवैलिड ओ टी पी, जितना क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला रहेगा उतना ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, एक साथ आपको सब कुछ एक साथ घटाएगा अब, ठीक है, कंपाइल रन, ठीक है, इंटर ओटीपी मैंने क्या किया 2 3 4 4, गलती भी करी ना, ठीक है, 2 3 4 5 काम करने लगा मेरा, तो हर चीज़ पूरे स्ट्रिंग में से कैसे 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 निकल के हम लोग, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पहले बोलिए, इसमें जो सर ओटीपी में बहुत सारा टाइम लिमिट देता है, हाँ ये तो हमारे ये इसका पार्ट नहीं है, वो फिर से जावास्क्रिप्ट का पार्ट आएगा, क्योंकि वो टाइमर जावास्क्रिप्ट में जावा में यही डिफरेंस है, वो टाइमर चला सकता है, ठीक है, ओके यहाँ पे भी टाइमर चला सकते हैं हम लोग स्लिप का यूज़ करके, थ्रेड डॉट स्लिप, ठीक है, तो उतना देर तक सो जाओ, लेकिन लोगों को काउंटिंग दिखते रहना चाहिए, तो पूरा प्रोग्राम से घड़ी चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम जितना भी होता है वो सब घड़ी चलता है, तो जावास्क्रिप्ट सबसे फास्ट काम करता है, ठीक है, तो फिलहाल ये क्लियर हुआ ना, अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको एक और चीज़ अच्छा हुआ क्या, कि हम लोगों को नेस्टेड भी समझ में आ गया, कि नेस्टेड कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको मेनली ये चार ही है, ठीक है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, ठीक है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, ऐसे करके चार ही हैं, लेकिन इफ 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 इफ, ठीक है, अब इसका मिला के आप इफ के अंदर फिर से इफ, ठीक है, अब ये तो कंडीशन बताएगा, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, अगर नहीं रहता तो आपका कभी भी नेस्टेड नहीं लगता यहाँ पे, जैसे फिर से दोबारा ओटीपी डलवाई है, नहीं तो नेस्टेड का जरूरत ही नहीं था, ठीक है, तो नेस्टेड बोल के कुछ नहीं है, अब बस उसी को लेके आपको कोडिंग करना है, ठीक है, ठीक है, इसको हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं।